हेलो फ्रेंड्स, तो आज के फंक्शन में हम बात करेंगे कौन कनेक्ट फंक्शन की। कौन कनेक्ट फंक्शन को हम कंबाइन फंक्शन भी कहते हैं और इसका बेसिकली ज्यादातर यूज किया जाता है अलग अलग डेटा को जो कि कॉलम वाइज बनाया गया हुआ है उसको एक कॉलम में कन्वर्ट करना, मतलब कि एक तरीके से कंबाइन करना। तो इसको हम डिफरेंट तरह के फॉर्म पे यूज करके देखेंगे। तो जैसे कि अगर आप देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पे एक डेटा है और इस डेटा में हमने अलग अलग कॉलम में कुछ नाम लिखे हुए हैं, जैसे कि फर्स्ट वाले में हमने फर्स्ट नेम को लिखा हुआ है, मिडिल वाले नेम में मिडिल को और लास्ट वाले नेम में हमने लास्ट को लिखा हुआ है। तो अब हमें इसे फुल नेम में क्रिएट करना है। तो यहाँ पे हम फंक्शन सबसे पहले लिखेंगे इक्वल कॉन कनेक्ट। कॉन कनेक्ट फंक्शन लिखने के बाद यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले हमें लेना है टेक्स्ट वन। तो टेक्स्ट वन में हमें राज को करेंगे सिलेक्ट और उसके बाद लगाना है हमें कॉमा। कॉमा लगाने के बाद, क्योंकि हमें टेक्स्ट के बीच में स्पेस भी जनरेट करना है, तो आपको यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा और स्पेस इन्वर्टेड कॉमा देना है। जब भी आपको कोई भी स्पेस ऐड करना होगा तो आपको इन्वर्टेड कॉमा लगा के ही स्पेस को ऐड करना होगा। उसके बाद देन अगेन टाइप करेंगे कॉमा और उसके बाद सेलेक्ट करेंगे मिडिल नेम और मिडिल नेम सेलेक्ट करने के बाद फिर से कॉमा देंगे, इन्वर्टेड कॉमा स्पेस इन्वर्टेड कॉमा देन कॉमा और लास्ट नेम करेंगे सेलेक्ट। तो इस तरह से अगर कोई बड़ी से बड़ी भी लिस्ट होगी उसको भी आप ऐड करके आप इसे कंबाइन कर सकते हैं। तो बेसिकली इसका ज्यादातर यूज नेम पे किया जाता है या कोई एड्रेस डिटेल है और वो अलग अलग कॉलम में बना हुआ है तो उसको भी आप इसमें ऐड करके यूज कर सकते हैं। तो इस पर प्रेस करेंगे इंटर और आप देखेंगे कि यहाँ पे ये नाम ऐड हो गया है। इसको सिलेक्ट करके प्रेस कर लेंगे कंट्रोल डी। ये एक शॉर्टकट की होती है कि अगर आपको मैनी डेटा कैलकुलेशन करना है तो आप कंट्रोल डी कमांड से यूज कर सकते हैं। अब हम सेम इसी नाम को किसी और फॉर्मूले के द्वारा भी यूज करेंगे। इसमें हम एक और फंक्शन यूज करते हैं एंड फंक्शन। तो एंड जो होता है ये भी एक तरह का ऐड करने के लिए यूज किया जाता है। तो सबसे पहले प्रेस करेंगे इक्वल और इसमें फर्स्ट नेम को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम देंगे एंड टैग। एंड लगाने के बाद इन्वर्टेड कॉमा स्पेस इन्वर्टेड कॉमा एंड मिडिल नेम। मिडिल नेम हमारा सेकंड नेम होगा, फिर से एंड लगाएंगे इन्वर्टेड कॉमा स्पेस इन्वर्टेड कॉमा एंड लास्ट नेम। तो तीनों को सेलेक्ट करके प्रेस करेंगे इंटर। तो आप देखेंगे कि ये भी कैलकुलेट हो गया है। तो दोनों फंक्शन यूज कर सकते हैं। अगर आप इस तरीके से लगाते हैं तो भी वैलिड है और अगर आप एंड फंक्शन लगा के भी करते हैं तो भी ये वैलिड है। तो दोनों का यूज कर सकते हैं और इसको प्रेस करके हम कंट्रोल डी करेंगे तो ये भी ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। तीसरा हम यूज करेंगे, जैसे कि अगर हमें फुल डेट ऑफ बर्थ क्रिएट करना है तो उसके लिए इक्वल और यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे ईयर एंड इन्वर्टेड कॉमा स्पेस इन्वर्टेड कॉमा फिर एंड लगाएंगे और इस बार हम सेलेक्ट करेंगे ईयर्स को, फिर से एंड लगाएंगे इन्वर्टेड कॉमा स्पेस इन्वर्टेड कॉमा एंड उसके बाद मंथ, फिर से एंड लगाएंगे इन्वर्टेड कॉमा स्पेस इन्वर्टेड कॉमा एंड उसके बाद मंथ, फिर से एंड लगाएंगे इन्वर्टेड कॉमा स्पेस इन्वर्टेड कॉमा एंड उसके बाद हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे डेज को, फिर से एंड लगाएंगे इन्वर्टेड कॉमा स्पेस इन्वर्टेड कॉमा और एंड और उसके बाद सेलेक्ट करेंगे डेज को। तो इस तरह से कोई भी डेटा क्यों ना हो आप आराम से इसे कंबाइन कर सकते हैं। तो इसे हम कॉन कनेक्ट फंक्शन कहते हैं और ये बेसिकली कई सारे कॉलम को एड करके एक कॉलम में इसे यूज किया जाता है। आप देखेंगे कि यहाँ पे हमने पूरा डेटा इसका बना लिया। इससे पिछली वीडियो में भी हमने एज कैलकुलेशन में कॉन कनेक्ट फंक्शन का यूज किया हुआ है। तो इस वीडियो को आप जरूर देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज शेयर जरूर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।